तो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो ट्रांजिट रूट सर्वे करवाएंगे वह है रामपुरा, जो कि सीकर से 25 किलोमीटर दूर है और नीम का थाना रोड पर पड़ता है। वहां से हम रिटर्न करते हुए यह आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी सावन का महीना भी है और कांवड़ यात्री लोहारगल से कांवड़ लेके शिव को स्नान कराने के लिए जगह जगह से यात्रा भी कर रहे हैं। रास्ते में हमें वो मिलेंगे, उनका भी हम मनोबल बढ़ाएंगे, हमारा मनोबल उनसे भी बढ़ाएंगे, प्लस अध्यात्म का लाभ लेंगे। तो बने रहिए आगे चर्चा के लिए। यह है पवार फार्म हाउस, प्रार्थना बस स्टैंड, राजस्थान परिवहन निगम नाइयों की ढाणी। यह पिपराली का जो है माइलस्टोन 11 किलोमीटर से मैं बता रहा हूँ। यह एक स्कूटर पे लोडिंग ऑटो बनाया गया है। यह लेफ्ट साइड में उदयपुर वाटी की पहाड़ियाँ, अरावली जो है रघुनाथगढ़ का पहाड़ है, जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है राजस्थान की। यह वही रघुनाथगढ़ है मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों। श्री चौथमल जी कृषि फार्म का साइन बोर्ड, दोनों साइड है रोड के, इसका मतलब दोनों तरफ है चौथमल जी का फार्म हाउस। यह देखिए आप, यह फार्म हाउस, यह भी कोई विशाल भव्य फार्म हाउस है। यहाँ पे इसी रोड पे रघुनाथगढ़ से जस्ट पहले, ये देखिए साहब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और प्रसन्न है सभी लोग। यहाँ आ गया रघुनाथगढ़ का साइन बोर्ड और हम रामपुरा छोड़ के रघुनाथगढ़ में एंटर कर चुके हैं। अब ये कहते हैं भाई साहब इसको तो रास्ता देना ही पड़ेगा, विकास की दौड़ में है तो विकास को देखिए संबल हमें प्रदान करना पड़ेगा। साइड देनी चाहिए लाइट अलग अलग, देखिए वह ये है साहब स्टैंड रघुनाथगढ़ का। इधर से रघुनाथगढ़ में रेट अंदर एक बार आपने ध्यान दिया होगा, हमने एक यूट्यूब पर डाला था हमारा एक इसका भी विजिट। तो ये है वह रघुनाथगढ़ जो बहुत ही प्राचीन, ये देखिए सीकर 20 का साइन बोर्ड, ऐसा बिल्कुल तिरछा हो गया ये बोर्ड भी। ये एक लोहार परिवार, इनका भी कार्य सुबह सुबह शुरू हो चुका है। जय हो इनके मेहनत के सबके को। अभी भी सीकर 20 ही बता रहा है, एक माइल स्टोन पहले जो छोड़ा था उस पर भी 20 था और अभी भी 20 ही है ये रघुनाथगढ़। ये देखिए आप, कुछ युवा द्रुत गति से, ये देखिए हॉर्न भाई साहब बहुत जल्दी में। भाई साहब यह है गणेश मोड़ बस स्टैंड और यह है इसको भी देखिए, थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो गई है जीवन की। यह दो तीन युवा कांवड़ यात्री। यार बेटा कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोहागढ़ से आए। लोहागढ़ से वापस कहाँ, गांव कौन सा? सीकर प्रॉपर बाजार। प्रॉपर बाजार, चलो वेरी गुड यार। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की। धर्म की कठोर यात्रा। अरे भाई कौन से गांव तक जाओगे? सीकर जाएंगे। सीकर, चलो बढ़िया यार, जय भोलेनाथ। भाई साहब कम से कम 40 लीटर है इसमें। जलटोला बालाजी रघुनाथगढ़ पुलिस चौकी है यहाँ पे। ये हॉर्न दे दिया भाई ने, साइड दे दो उसको। मोड़ वाला गणेश मंदिर एवं माँ अन्नपूर्णा आश्रम, यह भी जो है सीकर से लगभग 22 किलोमीटर दूर, सॉरी 17-18 किलोमीटर दूर स्थित है गणेश मोड़। ये देखिए टर्न देख सकते हो आप, टर्न हो रही है रोड। कहाँ तक जाना है? सियोट छोटी। वेरी गुड, वेरी गुड यार। हाँ। कौन सा गांव तक भाई जी? किरडोली। अच्छा परडोली, वेरी गुड। भाई लोगों जय भोलेनाथ। कौन सा गांव तक है? परडोली। मैं आऊंगा परडोली भी एक दिन। परडोली अपना है यार, किरडोली से थोड़ा सा आगे। नानू राम जी सैनी हलवाई फार्म हाउस, नानू राम जी साहब का फार्म हाउस। गो माता धर्म ध्वजा को लहराते हुए अमरनाथ सेवा समिति के अंदर, जय हो गो माता की। ओ अमरनाथ सेवा समिति के आगे कुछ गोवंश, बिल्कुल आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण। ये देखिए आप, बाके बिहारी लाइट एंड फावर फ्लावर अमरनाथ सेवा समिति। यह है देखिए, यह भी एक जो है भक्तों के लिए जो है बिल्कुल अमरनाथ सेवा समिति के द्वारा द्वार बनाया गया है, अति सुंदर। कौन से गांव के हो? रघुनाथगढ़ के हो क्या? मैं सीकर का हूँ यार। हाँ हाँ, अभी टूर पे। अभी कहाँ से आए हो? अभी मैं आज गया था बेटा रामपुरा।
हाँ रघुनाथगढ़ का भी वीडियो डाला था मैंने बना के। आप कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका? डॉक्टर प्रीतम सिंह व्लॉग्स। ठीक है, कौन सा गांव तक जाचो? धोद। चलो भाई ये यात्री धोद से आए हैं। देखिए जोश जो है बना, देखते ही बनता है कावड़ यात्रियों का। बोलेरो भाई कुशलपुरा राइट साइड में, कुशलपुरा और श्रीनगर का हमने आपको विजिट करवाया था, आपको याद होगा। वो इधर से 5 किलोमीटर आगे श्रीनगर के पास दो युवा प्रसन्न होते हुए आपको देख कर, ये है श्रीनगर का बस स्टैंड, भैरू जी स्टैंड। यह है नीलकंठ महादेव कावड़ संघ। इधर ये स्वागत के लिए खड़ा हुआ भाई साहब। ये जो डॉग था ये DPSP को देख रहा था, इनको पता नहीं आज मैं बहुत पहले ही निकल गया था जल्दी, इसलिए दिशा इनकी विपरीत साइड है। जॉन डियर का ट्रैक्टर ऊपर चढ़ चुका है। ये देखिए ये है ताकत, पावर ऑफ द टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये दो कावड़ यात्री ग्रीन एनर्जी पर जाते हुए, यह गंगारा जाने वाला जो सड़क है यहाँ से तारपुरा भी निकल जाता है, की रोड भी निकल जाता है। ये स्टैंड है टी पॉइंट, और देखिए आप श्री गंगारा बालाजी सेवाधाम मंदिर मार्ग के राइट साइड में निकल गया है। ये ट्रांसमिशन टावर एक भव्य, यह एक लैंडमार्क दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल, और सतत तीव्र गति से DPSP सीकर की ओर। आपको भाई का बार चलता फिरता हरियाणा नंबर का हुक्का। ये फलासिया मोड़, ये फलासिया गांव का भी हमने आपको एक बार विजिट करवाया था। फलासिया बाजियों की ढाणी, वापस सीकर जाते हुए रास्ते में जो लैंडमार्क्स आपको दिखाने की हमने बात कही थी उनमें एक यह भी है। अरे लेफ्ट साइड में देखिए, एक 8-10 मकान है इस ढाणी के अंदर, सौर पेड़ अशोक का, सागवान का, बील का, हर तरह के वृक्ष हैं भाई साहब। प्रकृति के बीच में रहते हुए लोग बाग बहुत ही प्यारा सा अनुभव। एक अमराई आम का बगीचा है भाई साहब, अति सुंदर। बालाना का बास विद्यालय, बालाना द्वारा वैदिक आश्रम, और यह आपके श्री हमारे आदरणीय परम आदरणीय सांसद महोदय का आश्रम समेदानंद जी का। जय भोलेनाथ भाई जी। कौन सा गाँव? धोद। धोद के यात्री हैं साहब ये भी। जज्बा देखिए आप दोनों अंकल आंटी का। सीकर से जो धोद है वो 20 किलोमीटर है, और सीकर से जो लोहारगल है वह है आपका लगभग 30-32 किलोमीटर होना चाहिए, 32 किलोमीटर। तो 32 और 20 52 किलोमीटर। देखिए दोनों भाई साहब और उनके मैडम आध्यात्मिक यात्रा पर। अरे भाई लोगों कौन सा गांव? फकीरपुरा माजीपुरा। वाह भाई वाह, जय भोलेनाथ। ये है सर, पीपराली गांव आ गया है, बस स्टैंड पीपराली का। तो सीकर से अब हम लगभग 10 किलोमीटर दूर रह गया हमारा डेस्टिनेशन आज का, बालाजी टी स्टॉल, देव नारायण किराना एंड जनरल स्टोर। आध्यात्मिक यात्री लोहारगल से अपने अपने गाँव की ओर जाते हुए बीच बीच में हम आपको दिखाते रहे। ये आगे दो हमारे श्वान प्यारे मित्र, ये देखिए आप इनकी भी जो है परेड हमारे स्वागत में है भाई साहब। देते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइड, इनको क्या बहुत ज़्यादा जल्दी है भाई लोगों को प्रस्थान करते हुए लोहारगल के लिए। अभी इनके कावड़ जो है हाथ में ही है, अभी कंधे पे नहीं आई है, और हमें मिल गए हैं। जय भोलेनाथ बाबा जी। कटे तक जा रहे हो? कट जा रहे हो? परडोली है, ये भी परडोली के हैं, परडोली की पूरी टीम है आज। ये देखिए बुजुर्ग हैं लेकिन ये बहुत पहले आगे आ चुके हैं भाई साहब। ये बालाजी बोट हाउस वाले, और ये देख सकते हो आप जो है हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जगह जगह हैं आजकल, इसलिए किसी भी तरह से आप निश्चिंत रहें, आराम से घूमने आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और घूमने आओ जब आप, इनको यह भी कह सकते हो कि भाई ये हमारे डॉक्टर प्रीतम सिंह लोग के आप सब्सक्राइबर हो तो पूरा सम्मान आपको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये देखिए भाई का सुबह सुबह यार धंधा चौपट हो गया, टायर पंचर हो गया, तो चेक करके ही निकलो यार घर से, टायर वायर अच्छे लगा के रखो। वीर तेजा रसगुल्ला फैक्ट्री के सामने तीन बच्चे रसगुल्ले के रूप में। बाजोर वाली सड़क श्यामपुरा बाजोर, इस साइन पे लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे
पेड़ कटा और जीवन मिटा, कितनी अच्छी चीज़ है यार। देखो आप, जैसे पेड़ कटा, पेड़ का जीवन मिट गया और आपका भी जीवन मिट गया साथ में। देखिए बोलेरो में सवार हो चुके हैं लोग बाग। हे भोलेनाथ, तो ये है सुबह का चैनपुरा चारणवास का साइन बोर्ड और ये सीकर 8 किलोमीटर 30 की रफ्तार हरदयालपुरा बस स्टैंड फुल स्पीड से DPSV सीकर की ओर निकलते हुए। चटाइयों की दुकान सज चुकी है, चटाइयाँ बिछाने के लिए मैट्रेस। भाई जी कौन सा गांव तक है? सबलपुरा। ये है साहब सबलपुरा के कांवड़ यात्री। देखिए संघ के साथ शैक्षणिक भ्रमण की ओर जाते हुए मेरा तिरंगा अभियान वापस। 15 अगस्त हमारा आ रहा है, आज़ादी दिवस, बिग बॉस मंडी दिवस और ये 7-8 नन्हे। और ये देखिए आ रहे हैं यहाँ पे प्रवचन करने के लिए। शानदार सीकर 5 किलोमीटर्स ओनली, नाला का बालाजी आ चुका है। तो ये है हमारा रामपुरा से सीकर का विजिट, एक ट्रांजिट बच्चा एक कुरकुरे लेके जाते हुए। सीकर 5 कुचामण 8181। बने रहो भैया, बने रहियो, कांवड़ यात्रियों के दर्शन लेते रहें और अध्यात्म का अनुभव करें। भाई जी क्या भोलेनाथ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो यार? बठोट। ये सर बठोट के यात्री चारों दिशाओं से है जो आज इनका संगम हो रहा है लोहारगल में। आप लोग भी जाएं और ये जनरली सोमवार और शनि रविवार के दिन ज़्यादा यात्रा करते हैं क्योंकि समय जो है वो थोड़ा सा अनुकूल रहता है और आध्यात्मिक जिस प्रकार से उसका एक बताया गया है कि भाई इन्हीं दिनों में यह है जो बिल्कुल बढ़िया रहता है प्रोग्राम। तो ये है यात्रा करें आपकी और आपके स्वास्थ्य को अनुभव करें कि यार आप कितना कर सकते हो। अभी कोलका जी शिक्षण संस्थान सीकर, ये कुछ युवा और कुछ कांवड़ यात्री। जय भोलेनाथ। अरे भाई लोगों, कहाँ से यात्रा, कहाँ तक है? हैं पाटोदा फागलवा। ओके, ये फागलवा के युवा हैं। देखिए जोश, जो जल्दी निकला वो जल्दी आ गया यार। ये सीकर 4 किलोमीटर रामपुरा से हम आ गए हैं जयपुर। अब लेफ्ट साइड में चले जाएगा झुंझुनू, राइट साइड में और सीधा सीकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी शेखावाड़ी विश्वविद्यालय कटरा तल 9 किलोमीटर से राइट साइड में। अजमेर यहाँ से 174 है, बीकानेर 214, नागपुर 167 और सीकर 3 किलोमीटर। तो ये था सर हमारा आज का 25 किलोमीटर का जो एक ट्रिप था जिसके अंदर हमने आपको कांवड़ यात्रियों से मिलवाया। तो शायद एक आधा जत्था और मिल सकता है, उनके भी हम लाभ ले लें दर्शन के और फिर क्रॉस करेंगे। प्यारे साथियों पीपराली सर्किल और देखिए संघर्ष सभी का चालू हो गया है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ, हमारी जैसी साइकिल, कुछ पैदल, पैदल मतलब दिमाग से नहीं भाई साहब, पैरों से जो पैदल चल रहे हैं वो लोग। और जो है SPX हमारी आगे साथ स्कॉर्पियो N और ये जाना हमें इधर कपड़े से लेते हुए सुबह सुबह युद्ध करते हुए कि मैं लूँगा कटोरा हाथ में ध्वजा श्री बालाजी और जोश और जुनून देख सकते हो आप। ये देखिए कुछ कांवड़ यात्री ऑटो में जाते हैं, ऐसा आज फतेह करने का इरादा है। बड़ी ही संख्या में लोग बाग जा रहे हैं, महारुद्राभिषेक का भी आयोजन किया गया है वीर बालाजी द्वार। तो जो शिव भक्तों का जोश हमने आपको दिखाया है, कोई बठोट से, कोई सीहोट से, कोई फागड़वा से, कोई पारडोली से, कोई आपके सरवड़ी से, जगह जगह से जो लोग बाग है इस महीने में, अब इस बार अधिक मास से 2 महीने तक ये यात्राएँ चलेंगी। तो जो लोग भी इसके बारे में जिज्ञासा रखते हैं और आध्यात्मिक अनुभव पाना चाहते हैं उनको मैं कहता हूँ कि एक दिन निकाल के आप भी इस यात्रा को अजमाएं और अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें, लोगों से मिलें, प्रकृति से जुड़ें और स्वस्थ बने रहें। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।